प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत। दोनों अभियान को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया गया है तैयार। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, तलाशी अभियान जारी। देश में 7 से 11 साल के बच्चों के लिए जल्द आएगी कोवोवैक्स वैक्सीन। दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल शुरू। कोवोवैक्स वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की जाइकोव डी के बाद बच्चों पर ट्रायल की जाने वाली तीसरी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़े। बीते 24 घंटों में 26,727 नए मामले आए सामने। 277 लोगों ने गंवाई जान। पूर्व मंत्री नटवर सिंह ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के खराब हालात के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ दर्दनाक हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 13 अन्य यात्री घायल। गोरखपुर में कारोबारी मनीष हत्याकांड के बाद अब मॉडल शॉप के कर्मचारी का मर्डर। ऑर्डर लेने में देरी करने पर आधा दर्जन बदमाशों ने की पिटाई। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी सरकार ने पुलिस प्रशासन में किया बड़ा फेरबदल। 4 एसपी समेत कुल 7 आईपीएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। झांसी में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर की पति पत्नी की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टोडी फतेहपुर ग्राम बिजौरा की घटना। लखनऊ में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। चारबाग, मवैया और दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास अवैध अतिक्रमण को गिराया। मौके पर मौजूद रहे नगर निगम के अधिकारी। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।